हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अभास। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। जान जाए कीर्तन रहे गांव में, गोही रही, बड़ा बढ़िया लागल। हाँ ली दीदी, चाय पी ली। ली दीदी, ली दीदी पी आप ली। जान लो हम हमें के सास ना है कि अपना सुख सवारत खातिर अपना पतोह के घर में बैठा के रखी आए। अरे हमारे पोती 2 साल के हो गई, ओकर पढ़ाई लिखाई है भला गाँव में हुई नानू। यही से हम अपना बेटा के फोन कैनी है कि आ जो बेटा, आके अपना परिवार के ले जो आ शहर में राजी खुशी से रह सन। तो चाची लोग का कही आबाक बाची, लोग के कहला में का बा? अब लोग के कहला में हम अपना पतो के काहे को कही? भला बताओ, जेकर जैसन विचार वैसन बात कही। अब लड़का के शादी काहे खातिर कल जाला? ओकरा सुखे खातिर नु। हमार बेटा ओजा शहर में हाथ जरा जरा के खाना बनावता, कपड़ा धोता बेचारा। यही से हम कहनी है, हमारा सेना बर्दाश्त भइलो ओकर दुख। हम कहनी कि आज आके अपना कन्या के ले जो, आ जाके राजी खुशी से रह सन। ए दीदी, अब पतोहिया जब बाहर चल जइह त और सेवा के करी? अरे त हमार दुगो बेटिया बाड़ी सन हो, उहे करिया सन। अच्छा तो भैया के साथ शहर में रह के ऐस मौज करिए, और हम लोग घर में नौकरानी बन के घर के काम काज करल जाए और तोहर सेवा करल जाए। कहे तू दोनों जानी हमार बेटी ना हो? वो तो पतो है। बाहरे बेटा, जन्म तो तू होने दोनों जानी के दिले बानी। अरे वो तो पतो ही है, करी तो बा और ना करी तो बा। तो भैया करस कहे दूध खाली भैये पिए ले बा? तू दोनों जानी ने को पिए ले कि लाड प्यार तू लोग के कम कैले बानी? अरे माई बाप के हिस्सा में आधा के हिस्सेदार बाड़ू लोग, हाँ तो कमा के करी, हाँ आधा उमे नहीं खू। तोहर लोग से तो ना भइल हा कि खैलका बर्तनवा धोती, ऊ बेचारी बैठ के ढाह भर बर्तन लेके धोतिया। ए दुल्हन रह दा, अब जा। कौनो बात ना माँ जी, बस हो गई। कौनो काहे नहीं के बात, अकेले आदमी काम कर कर के मरी का? हाँ तू उठा। माँ जी सब हो गई। अरे हम कहते न उठा तो उठा। ठीक है। माँ जी बबुनी हम बनी नू, हम देख ले। जा बबुआ के आवे के टाइम हो गई बा, जाके तनी सस संवर ला। जा जी जा। अनितवा, ए अनितवा आओ, आके तनी सब बर्तन धोता। ले 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 ले
माई। अरे देख बबुआ आइल बा, जल्दी आ। आवे में इतना देर काहे हो गेल हो? अरे भाई गाड़ी से आइल हो, आजकल रास्ता में कब गड्ढा खोद दिहल जाला, कब जाम लग जाला, कोनो भरोसा बा? हाँ सही कहता नी बाबूजी, आज आधा घंटा रास्ता में जाम रहे। सुन लो। अच्छा चल आ गई ला ना, अब चल के हाथ मुंह धोला, कुछ खा पी ला। खातिर पानी लेके आवा तानी। अभी हमरा आइल धूप पल न भेल और तू एजा से जाए लगलू। बैठा चुपचाप। दुबरा गेल बाड़ू से तो दूरी मिटावे खातिर हम सारा व्यवस्था करके आयल बानी। का व्यवस्था करके आयल बानी? घर के जरूरत के जितना सामान होखेला हम सब खरीद के घर में रख देले बानी। अब बस तोरा जाके पूरा अधिकार अपना हाथ में लेवे के बा। ना ना रुको रुको, हम आ रहल बानी। आवा तनिया। प्रणाम माँ। खुश रह बेटिया, खुश रह। हमार नतनी कैसन भी है? दामाद जी आ गए लन। हाँ माँ। जाए के सब तैयारी हो गई बेटिया? बस चलता। हाँ वो तो आखिर तक चली। अब जाएबू तो पता न कब आएबू। एगो बात कही बेटिया, हमार नतनी के और तोहनी के देखे के बहुत मन करता। मन तो हमरो करता माँ, बाकी माँ जी के आदेश के बिना हम कैसे आए? बिटिया तानी समधन के फोन देना, हम कह देता नी। हाँ माँ फोन चालू रखा। माँ जी। हाँ बहू। हमार माई रवा से बात करी चाहता नी। अरे वाह का बात। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते। अरे तानी हमरो तरफ से गुड इवनिंग कह दो। अरे गुड इवनिंग समधन जी। हाँ हाँ गुड इवनिंग समधी जी, गुड इवनिंग। देखे ना समधन जी, बच्चा लोग बाहर जाता, अब जाई तो पता ना कब आई। हमार नाते और बच्चा लोग के देखे के बहुत मन करता। का कहता नहीं? अरे समधन जी एमे पूछे के का बात बा? बता। आई रहुओ बेटी दमाद हलो, राव हक बनता। अरे कह दो समधन जी से कि अपन बेटी दमाद के स्वागत करे के तैयार रहा। जरूर। काले जाता रे दोनों लोग। सुन ले नीनू, अब बस रुआ तैयारी करी अपना बेटी दामाद के स्वागत करे के। हाँ समधन जी हाँ, हम तैयार हैं। नमस्ते समधन जी। नमस्ते। चला चला। प्रणाम दीदी। प्रणाम जीजा जी। प्रणाम। अरे खुश रहा खुश रहा। प्रणाम भाई। गुड़ लगता है। कैसन बाड़ू? गुड़ लगता नहीं। अरे अरे भाग लगा चाहता कि तोहनी लोग हमार घरे आइला। अब बिटिया चला। हां चला चला आवा। चल चला आवा। अरे बबनी, अरे अपन जीजा खातिर पानी और मिठाई लेके आवा ना। ठीक पहले क्या आवत नहीं जा बाबू, तहन लोग आ गईला तो उन लोग के अइला से हमार दिल खुश हो गई। बाबू कल है राहुल माई के बात सुन के
हमार कलेजा जुड़ा गई। रउआ के माई हमार बेटी के सास ना, ओकर दोसर माई है। हमरा ही से बेसी वहाँ, वहाँ से हमार बेटी के प्यार मिलेला। हमार बेटी के तो भागे खुल गए। ए माई हॉट ना, लीजिए जा मिठाई खाई और पानी पी। ऐसन सास ससुर बाबू हर बेटी के मिले। अरे बाप रे, इतना सारा खाना हम अकेले कैसे खाएं? अरे दामाद जी, शहर में रह रह के राउर पेट बंधा गई ला। अरे इतना खाना राउर ससुर जी नाश्ता में करेलन। हाँ हाँ, अरे बाबू ये झूठ बोलत बारी। अरे बाबू, इतना दिन के बाद दामाद जी के सेवा करे के मौका मिलल बा, खाई ना। अरे बाबू, आज लगा था कि हमरा घरे खुद भगवान राम आकर भोजन करत बाड़े। अरे रउआ लोग खाए ना साथ में। अरे ना ना बेटा, जब तक रउआ ना खाए तो हमने कैसे खा सकेंगे। जीजा जी, दीदी के हाथ के तब बहुत खाना खाई ले हो के, इस साली के हाथ के खाना तने एकरो के तारीफ कर दी। अरे साली जी, वाकई खाना बहुत स्वादिष्ट बनल बा। हमरो से अच्छा? बिल्कुल जी। साली जी बहुत स्वादिष्ट खाना बने ले बिया, इनकर हाथ में तो जादू बा जादू। हाँ दीदी, घबरात का है बड़ू, तोहरों खातिर ये खाना बनावे ले बानी। वो मैदान देख लल बड़ू? हाँ, वह मैदान पे हमनी बचपन में सब लड़का लोग मिलके वजह खेलत रहे। अच्छा दीदी, चलो फटाफट तैयार हो जा, नहीं तो मंदिर के गेट बंद हो जाए। यही से तो हम कहनी कि रउआ लोग मंदिर के दर्शन करके आई। माई बाबू के पकड़ो, हम हूँ मंदिर जाए। ना ना तू जाइबू और ना बाबू जाए। काहे माँ? अरे बेटा, रास्ता तनी खराब बा, हजार तरह के लोग आवेला। हमर नाती के कहीं नजर लग गेल ता। बबूनी के पकड़ी माँ? अंजलि पकड़ी। माई हम हूँ दीदी साथे मंदिर जाए। हम कहनी ना, ना तू जाइबू ना बाबू जाए। आ दीदी रास्ता देख ले भैया, दमाद जी के साथ मोटरसाइकिल से झट से जा और झट से आवा। ठीक बा। का मंगलू है भगवान से? पहले आप बताएं, आपका मंगनी है? हम मांगनी की जोना कन्या हमरा के देले बाड़ू, उनकर साथ हमरा साथे जन्म जन्म ले रहे और उनकर प्यार हमरा साथे पग पग पर रहे। अब तू बतावा, तू का मांगले बाड़ू? बताई बतावा। जीवन में रंग
तोहरे से बाटे सगरोई ढंग तोहरे से बाटे असही तू प्यार हो लुटावत रहिया हमरा के हमसे चुरावत रहिया तोहरा के तोहा से चुरा के रहब तोहरा अगल बगल में डरा के हो रहब तोहरा अगल बगल में डरा के से को पल दूर नहीं रही ये भगवान जिस बेरी बेरी कही बाटे एहसान भगवान जी के हम पे साथी बाटे साथ हमरा कदम कदम पे तोहरा के मन में छुपा के रहब तोहरा अगल बगल में डरा के हो रहब तोहरा अगल बगल में डरा के अरे बबुआ आ गईला दुल्हन हाँ, लेकिन ये सब का है सामान है ये सामान तोरा ले जाए के बा अरे इतना सामान का होई देखा तनी कोहा तक का होई अरे शहर में जाता रह तका शहर में दाना पानी ना लगला कि राशन पानी ना लगला अरे माई ओजा सब मिलेला जाने ली कि सब मिलेला है? लेकिन हमनी के गृहस्थ है जा ई घर के सामान का होई आई जा के ओजा किन के खई है तहार दिमाग खराब बा जाते जते ओजा लाइन लगा दे भिक मंगा की तरह अरे माई ओजा सब सामान खरीद ले तका सब भिक मंगा हा हम ई सब नहीं जानत तहरा ई सामान ले जाए के बा तब बस ले जाए के बा अरे बाबूजी समझाई ना माई के अरे जितना के सामान ना ओसे ज्यादा तो भाड़ा लग जाए ले जाए में अरे बेटा ई सूद सामान के तू तुलना पैसा से करता रह ए दुले जी माँ जी तू ही बताओ ई सारा सामान जाई की ना हाँ माँ जी काहे ना जाई सब सामान जाई सारा सामान गाड़ी में जाई थोड़े ना माथा पे उठा के लेके जाए के हाँ ए बुचिया जो जाके आटा वाला के यहाँ दे ले बानी सतु पीसे के जाओ के लेके आओ जल्दी से बांधे के बाद बाबूजी देखा तनी नहीं सबका हो रहल बा ए बेटा सही तो कह तरी शुद्ध अनाज खइबो तबे ना तंदुरुस्त रहबो हैं चलो कल जाए के अपन तैयारी कर जा सतु आजे बना गल बन सब चल माँ जी हम आपसे कुछ कहे चाहता नहीं कहा ना बहू का बात बा हम रवा के छोड़ के ना जाए माँ जी अरे ऐसे काहे कहत अरु बहू रहिन हो का हां अब तू शहर जाइबू हमर पोती शहर में रही शहर के अकिल बुद्धि सीखी हाय गांव में का रखल बा ए चाहत अरु कि गांव के रहन बुद्धि सीखे ना नू देखा बेटा तहार ससुर जीवन भर गांव में रह गईल हैं तब मजबूरी में हमरो गांव में रहे के पड़ गई लेकिन तहार मरद शहर में रहता रे नु तहरो तो उनका साथे शहर में रहे के चाहिए ने हैं अब गांव में लोग का कही माँ जी अरे छोड़ा गांव में लोग का कही ओकरा से कर ले देवे के बा हमरा हैं तू चिंता काहे करतर अरे हमार सेवा करे खातिर तहार दूध गुनंद बाड़ी सनु हैं आ देखा ये सब बात ज्यादा दिमाग में ना लेवे के चाहिए हैं बहुत ही रात हो गई बा जा जाके सुत जा सवेरे जाए के बा हैं जी माँ जी
ना कबू अकेला मत समझिया, और कोनो बात हुई ना तो तू हमरा के फोन करिया। पर रवा लोगन भी ना मत ना लागी माँ जी। अरे ना ना बेटा ऐसा मत कह, अरे परिवार तहरे संभाले के बा, तहरे नु परिवार हा पूरा जिम्मेवारी तहरा पे बा। इता बाहर बाहर काम करी, घर तहरे देखे के बा, और ना हमने के हमेशा तहरा साथ बानी जा। हे बबुआ फोन करत रही हो वहां से। ठीक है बाबूजी, हेरिंग की तू लोग इन करा के फोन करत रही है। खुश जा सादा सुहागी मेरा। बानी ये सब का है? अरे हाँ तो व्यवस्था तो कहले बानी ना, खाली तोरा सेट करे के बा। मतलब हमरा आवते आवते खटनी शुरू? अरे मैं खटे ना खटे वाला का बात बा, बिन घरनी भूत के बासा बुझाइल। वाह पति परमेश्वर जी, हम तो ई सोच ले रहनी कि आज रहुआ साथे प्यार मोहब्बत से रहती, लेकिन ना आवते ही काम चालू। अरे अपन घर अपन काम, हमें टेंशन लेवे वाला का बात बा? हा? हाँ काहे की टेंशन, हम तो आ गेल बानी। हाँ घर के देखभाल तो करबे करब, हॉल तो देख लेनी, अब जरा बेडरूम भी दिखा दी। हाँ चलो ना। हाँ चल। ओ लुलुली ओ अच्छी चिच्चे। बेडरूम के हालत देख के तो नहीं खेला दे कि यहाँ कोनो इंसान रहत रहे। अरे ऐसन काहे बोल रहल बड़ू? हाँ तो कैसन बोली? वो दरअसल जो दिन जाए के रहना उ दिन बहुत हड़बड़ी रहे, ऐसे ही समय से रह गेल। हाँ आप तो ये सोच के गए हो कब कि हम आए तो सब कुछ संभाल ले। बेडरूम के हालत तो देख ले, अब जरा किचन भी दिखा दी। कहब का अब जे बात सब तोहरे सामने ही बा। एक काम कर, बबनी के संभाली ली ई हो रखी हाथ में, समझ में नहीं क्या आवत आपके, इतना गंदा छोड़ के गलबानी। हम नौकरानी आई लेके अलबानी काम करवावे खातिर। Oh,
रंगी ढंग कबो सादा सादा लागे होला जब गजा भर ले सोन बिना पटरे के पहुंच है तहसों कबो लागे मेरे ची कबो लागे रसदार पति पत्नी का प्यार खट्टा मीठा पड़ा माई। खुश रहा। आ सुना, ठीक से पहुंच गला लगनू? हाँ माई, हमरी बढ़िया से पहुंच गई नी। आ दुल्हन कैसन बाड़ी? एकदम ठीक बाड़ी। ए, हमर पोतिया ठीक बा न? हमर लइका ठीक बा न? अरे तोहनी के पोती भी बहुत बढ़िया भी है। आ सुना, तारा के एगो समाचार देवे खातिर फोन कइनी ह। हाँ बताबे न। अरे तार फूफा बाड़े नु, तारा भी जाता रे। कौन फूफा? अरे वो है फेंकू फूफा। अरे माई चला जान होई झलल जाई आवे दा उनकरा के। अरे बबुआ बड़ बुजुर्ग हवन तनी खातिरदारी करियो सेवा सत्कार करियो। ठीक नु? ठीक बा माई प्रणाम। खुश रह खुश रह। कितना पैसा भइल बाबू? 50 रुपया भइल। अरे बाप रे बाप, अरे इ त खुला खुला लूट मचौले बाड़ा। कैसे लूट? आए हमरा के आज नवी देख के तू होशियार बन तड़ा। पूरा सेना बोलाए आंदोलन करे बाकी लूट ना होके दे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ईमानदारी हल्ला मचाए। अरे 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 फूफा जी बोल लगता नहीं। खुश रह खुश रह। कहाँ भाई बताओ बेटा, ये गाड़ी वाला हम रखे अकेला जान के अनाप से ना पैसा मांगता। अच्छा शांतरी हम बात करता नहीं। बात करो। कितना पैसा भाई लो? 50 रुपया भाई बा भैया। ठीक तबा फूफा जी। अरे यह भैया हम कहता नहीं, बाकी यहाँ के झूठों के पहाड़ उठा ले बानी। तुला निकला। निकालो निकालो साला चोरो हो कि कोरो ठीक नहीं है चोर बाटे। निकालो। ए भैया अरे भैया आराम से हजा तू। हाँ हजा ताने कह देता नहीं। हाँ बैठी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और पप्पा जी आवे में कोनो परेशानी तो ना भइल ना? ना ना परेशानी तो ना भइल ह, खाली हो टेम्पुआ वाला जन बानू। हां हां ई सार खचड़ा रहे। हां हां आइजा के टेम्पो वाला तनी खचड़ा बा। हां इनका के हम बकलोया छोड़ा देती। ई देखिए आगे पहले पप्पा जी। खुश रह खुश रह खुश रह। अब बबिया के ना बिया? अब बबी सुतल बाड़ी। अच्छा अच्छा बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा पप्पा जी खातिर पानी वानी लेके आ। हां जी। अरे ना ना अभी पानी उनी तो पियले जाई। अभी तो पहले पहले बेर जोन बा अपना पतो के देखले बनी है तब मुँह दिखाई दी हल हमार फर्ज बन तक ही ना तनी हो देवत नी है। हाँ आज देखाई है ऐ एमए से हाय तहार है हाय तहार है हाय बबिया के हनु अजान तरु हम जब घरे से निकलत रहनी हाँ तहार फुआ हमरा माथा पर चढ़ा रलिया 50 बेर कहली हल कि सुन जैब आ हमरा पतो के बिना मुँह दिखाई देले अगर आ गईल तो एह घर में तहार एंट्री नहीं खे काहे कि हमरा पर तो ओकर दादागिरी नु चलेला। आ ई सब समाज के संस्कार विचार ह का करबू हनु। अब जाके तनी अब चल पानी चाय पिए चले। अजान तड़ा हमरा अब ही आवे के ना रहला पड़ावा बियाइल बनू। पापा पाड़ा बियाइल बा? आहा पड़िया मतलब पाड़ा बच्चा दिले बिया। अच्छा पड़िया पाड़ा बच्चा दिले बिया। हां ओइसे मैं कैसे छोड़ के आईती लेकिन पानी पाजी का कइलू माने हमरा के कुजात बुझतड़ तू ऐसन काहे बोले तानी फूफा जी। अरे तरह इतना ज्ञान नहीं के ऐ शीशा के गिलास में तू पानी देतड़ हमरा के फूला हा गिलास लोटा घरे बाकी नहीं खे अगर नहीं खे तो स्टील के गिलास लोटा होई दू ओमे पानी दा।
बाबा पापा जी ए जा लोटा में पानी लेके आवा। हाँ दाल बा। हाँ आ जाए। हाँ हाँ अभी आ जाए। ए जा जाए दी पापा जी गलती हो गई। तू हूँ एकरा के कुछ सिखावल कर संस्कार विचार का होला अपना किया के ना सिखाइबा एक दिन तारे माथा पर चढ़ के डांस करे लगी बुझला। हाँ हाँ सिखा दे पापा जी सिखा दे। हाँ देहता भाईलू ये बात है अब जाके जान में जान आयल। अच्छा देखा हमने के गांव के आदमी बनी सब हमने के हुए गिलास से कूला पानी से का होके वाला बात। अच्छा पुपा जी अब चाय बनवाई। हाँ ये पूछे वाला बात बैठे आए बनो चाय। चाय में चीनी रही या ना रही। अरे चीनी के का बात बैठे। अरे चीनिया सीनिया बीमारी इस शहरी लोग के होला। अच्छा ये बताओ कि हम देहात के आदमी हई हाथ ना उम्र हो गई तब हूँ है शरीर टाना टन बैग दम चार चम्मच बेसी डाल के ले आओ। चार चम्मच रवा चाय पिया। ना ना हम बाद में पी ले। हाँ 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 हा। ना ना हम बाद में खाई भाई कैसन बा बढ़िया बा खाली खाली पूरा खाली। हाँ खाली पूरा पानी पी ले बहुत आदमी मेरा ठीक भैया। हाँ हाँ बढ़िया भैया ना तीन नंबर काम करते कोनो कोनो उहे ठीक नहीं खे सिखावल करो। ना ना हम सिखा दे पानी पी ले। आई पापा जी बैठी। अच्छा बैठी पहले आराम से। अरे भाई आबिल पापा जी अरे मर्द हमरा बुझाता कि धौंस के पताल में चल जाई। अरे ये गद्दा इसने होला पापा जी आराम से बैठी कुछ ना हुई। हाँ बैठी। अरे राम राम एकदम गलीचा बा मर्द। हाँ और पापा जी ऐजा कितना दिन के प्लान बा बाबू रे। अरे आज तो शनिचर है। हाँ। काल एतवार है। अरे दो दिन तक कुछ होबे ना करी सोचता नहीं कि परसों सोमवार के सवेरे सवेरे नाश्ता उस्ता क के आ हम अपना पेंशन वाला ऑफिस में जाए आ फिर ओनहीं से ओनहीं काम धाम करा के फिर चल जाए। हाँ बढ़िया प्लान बा। हाँ ये है सोचनी है। चाय ले रही पापा जी। अच्छा अच्छा ली चाय ली। कहो मैंने एकदम तू लोग दूर जाना सोचिए ले बड़ा लोग फूफा जी के आजे भगा देवे के बाद ऐसा का है बोलता नहीं फूफा जी। अरे बोली ना तो का करी गिलास में चाह पिए वाला आदमी के तू कप में दे तरू कहीं मुंह जर गई तो खाई पियल हफ्ता दिन बंद हो गई लू यही में दे आई ठा गई काम खत्म। अरे ऐसा कुछ ना हुई फूफा जी। ए तोरा के कुछो नहीं के बुझाता क्या क्या करा के कैसे चाय पानी दियल जाला। अरे समझावा समझावा उनका के केकरा से कैसन बात व्यवहार विचार कोई जाला समझावा। हाँ हाँ समझा रहल बानी। अब खड़ा का बाड़ू जा जाके ग्लास में चाय लेके आवा जा। काम ना धाम खाली लोला रंग लेवे के बा। शांत रे पापा जी शांत। अरे हम तो शांत बानी महाराज हम कहा कुछ कहते हेलो का कर तड़ू। अरे कुछ ना जी द्वार बहारत रहनी आज। ए जी पतोहिया कैसन बिया। अरे रूप में त निमने बिया बाकी गुने में चौपट बिया। हां का भेल जी। अरे पता ना कौन संस्कार लेके आइल बिया बताओ ना शीशा के गिलास में पानी देतिया आ है कप में चाह देतिया। अरे नयका जमाना के पतोह बिया। खाली ये नयका जमाना के पतोह बड़ी कि हमरो पतो बाड़ी सर। अरे उ गनीमत कह कि राजीव के मेहरारू ही आ ना तो एक के मिनट में कुल चाल स्वभाव संस्कार सुधार देती। फुफा जी का बनावे के कहलन है हम पूछनी ना का है बेसंस्कारी हैं
अगर पूछब तब भी संस्कारी हो जाइब। हरी सब का बोला तारू हाँ? जौन सुनिया उहे बोला तानी। जाए दा, फुपा जी के बात के इतना बुरा माने के ना चाहे। हाँ। तू ऐसा करा, इतना स्वादिष्ट खाना बना दा कि फुपा जी खा के एकदम खुश हो जाए। जैसन आवेला वैसन ही बनाई ना, रवा जाई हम बनाव तानी, ठीक है? जाई जाई। ठीक बा बनावा। खाई ना फूफा जी खाई। खाते तो बार नहीं। वाह हे भगवान, जय अन्नपूर्णा। वाह जा। हाँ तहार माइयो कब सुंदर आ स्वादिष्ट ना भोजन बनावेगी। हाँ। यो कम नहीं थे तो बढ़िया लगल ना। बहुत सुंदर खाई ना, चाप के खाई। खाते बाजू हम खाए में लजाई लेना। खाए में लजाए के भी ना चाहिए। हाँ। चार चार पाँच पाँच को जमीन चल जाए ले खाए। हलुक हलुक बा छहल जाता कुल जाता। हाँ, हाँ, हाँ। फुफा जी खातिर पूरी लेके आवा। अरे फुफा जी ऐसे चाट के काहे खा रहल बानी? और बा और खीर बा बटे। हाँ तब मंगवाओ ना, मने एकदम साफ एथी बाड़ा। संगे संगे पूरियो मंगवाओ, तनी तरकारी मंगवाओ, भुजिया मंगवाओ। हाँ, सब सब मंगवाओ तनी। ए ममता, पूरी सब्जी खीर सब लेके आवो। डाला और चाहिए? डाला ना ना। हाँ? खा तनी बेर बेर इनका के हरान नानू करे। ना ना खीर खीर लेके आवो। जान करा भगवान देख ले केहू के आत्मा पेट ट्रिप करबनु तो तहरो ट्रिप ते बुझा। हाँ, हाँ, बात तो सही है। सुन ना। हाँ फूफा जी। अब ये हम अब तो हो गए हमार। हाँ। अब तू हूँ लोग दोनों आदमी जाके आ फर्स्ट क्लास भर पेट एकदम शुद्ध भोजन करा लोग आ आराम करा, ठीक नु? ठीक बाबू। कुछ मिष्ठान होखो तो ठीक बा, ना होखो तब ठीक का। चला फटाफट खाना निकाला। खाना देख के तो हमार भी भूख बढ़ गई बा। का खा ले बिकी? सब खाना खत्म हो गई का? हाँ। अरे तो खाना थोड़ा ज्यादा बनावे के चाहिए ना, इतना कम खाना काहे बना ले रहलू? तीन आदमी खाए वाला, पांच आदमी के खाना बनाव ले रही, वो भी खत्म हो गई। अच्छा जाए था बड़ बुजुर्ग बाड़न, खाना तनी निमन लगल हुई तो खा ले ले हुई। एगो काम करा, रोटी भुजिया बना ला हमनी के खातिर। पागल समझ ले बानी का? पूरा बर्तन धोनी, चूल्हा धोनी, आटा गुथनी, सब्जी कटनी, फिर खाना बनावली। रहुआ मर्द लोग के खाना बनावल हलवा लागे लाका। अरे तू तो ऐसा बात कर रहल बारू जैसे दुनिया में तू ही एगो खाना बनावेलू, और तो क्यों बनावेला ना। खाना बनावल इतना बड़का काम हो गेल का? बड़का काम नहीं की ते खुदे खाना बना ली ना। अरे हम तो हर काम करब तो तू हमार काम करबू का? अच्छा जाए दाई को काम करा, बिस्किट निकाल ला, बिस्किट खा के पानी पी के सूच जाए। हाँ।
हाँ पापा प्रणाम मई। अरे खुश रहो खुश रहो। खुश रहो। अपना फूफा के खूब बढ़िया से आप भगत करा था रानू। हाँ बहुत बढ़िया से स्वागत भइल बा फूफा जी के। तुहार पतोहू बाड़ी ना हमरा से ज्यादा स्वागत फूफा जी के कहले बाड़ी। अभी सूत रहल बा रानू। आ तू दोनों जाना खइला लोग। हाँ माँ जी हम लोग भी खा लेनी। का बनौले रहलू हा? अब पूरी खीर ओकरा साथे दम आलू मटर पनीर। तो खूब बढ़िया से पेट भर के खा लिया। हाँ माई हमनी खा ले। और एक काम कर तू सुत जा। प्रणाम। खुश रहा। अरे रूप में तो निमने बिया बाकी गुने में चौपट बिया। खाली यह देखा जमाना के पतोह बड़ी कि हमरो पतोह बड़ी सब। अरे ऊ गनीमत कहा कि राजीव के मेहरारू ही आ ना तो एक मिनट में कुल चाल स्वभाव संस्कार सुधार देती। का बात बा जब से फूफा जी आयल बाड़न तू परेशान लगातार। पहले हम हो खुश रहनी फूफा जी आ रहल बाड़े उनकर आदर सत्कार करब। लेकिन ऐसन फूफा जी के हम कल्पना भी ना कैले रहनी। मतलब मतलब जब से आयल बाड़े हमके बेसंस्कारी बना देले गोबर बना देले। अरे जाय द बूढ़ पुरान लोग बाड़न ऊ लोग ऐसने बात करेलन तनी बर्दाश्त कर सब ठीक हो जाए। बर्दाश्त करे की एगो लिमिट होला अगर लिमिट क्रॉस कर गए ले तक का करबू उनकरा से झगड़ा करबू कि उनकरा के सजा देबू कि उनकरा के सिखेबू का करबू बता बता। हम कौन हैं कि हम उनके सिखाएं? आपके रिश्तेदार है ना आप ही सिखाएं आप ही जानी ना उनके बारे में। धनी मुद कैसे तोहर बहनी बोला बोला हमर धनी मुद कैसे तोहर मनी कैसे झगड़ा के हो ही समाधान। हम हाय में हरा रो हमरा कहां कुछ हो गया रवा मरा रौआ मर
फूफा जी ब्रश कर ली। अच्छा बुरुस, अच्छा का बहुरिया, मने हमरा से तारा कोनो दुश्मनी बैठे। आज ले जीवन में हम ऐसे मुँह ना धोनी, मान ल कहीं मुँह छिला जाओ, जीभे कटा जाओ, चाहु छिला जाओ, तो खाइल पियल तो भइल मुश्किल। फूफा जी यहाँ दातुन ना मिलेला। आए रे दुनिया, एही मंजन में नीम घुस जाता, बबूल घुस जाता, नीमक घुस जाता, एजा कदम कदम पर एकर गाछ बाटे, ओसे लोग दतुआ ना करी, स्टैंडर हो गई बा लोग। तू का करबू, बाकी हम तो बदले वाला नहीं थी। तू लोग धो मंजन बुरुस से, फूफा चलले दतुअन के तलाश में। बाप रे बाप, कतना दूर चले के पड़ल है तब देखा नीम के दतुअन मिलल है। वाह बहुत सुंदर, आज के एगो अच्छा काल इतना दूर के आई, कालो के एगो टूरिए लेते नहीं। अरे हे 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 बड़ा हुए, ई का करता रही रहुआ है। अरे मर्द देखा ते का कंप्यूटर चलाओ ते नहीं। हाँ, आ कंप्यूटर चलाओ ते नहीं है पैरवा पे। हाय दतुअन तुरा ते नहीं लौकत नहीं है। हाँ तो का है दतुअन तुरा ते नहीं, ऐसे केहू तो हम तुर दे तब। अरे मर्द एगो दतुअन हम तुरिए लेब त का हो जाई। तोरे लेखा औरी दो चार गो आ जा ना, एगो उनके एगो हमके एगो हमके, हमार पूरा गछिया उछिन्न हो जाए। ऐसन ऐसन कतना गाछ जौन बा हमरा खेत में कौआ जमा देले स। गावे भरना पूरा जवार जिला हमरे नीम से दतुअन करेला एजा आके। अरे हम तेरा गाछ पर से दतुअन तुरत नहीं तो पुण्य के काम है। हम तो सोचनी है कि मर्द तू दतुअनों के संगे संगे नाश्तो कर, बाकी तू तो सफा धर्म पर लात रख देता। बहुत बोलेला मर्दवा, तब से पक 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 कहले बड़ा है। तनी अपन भाषणबाजी बंद करो और सुनो कान खोल के। हम एक महीना से दतुअन ना कैले बानी, लेकिन आपन गाछ ना तुरिला हम। हमरे गाछी पर से जे दतुअन तुरिला ओके हम धई के तुर देले, बुझाइल। ये तू गलती करेला, एक दतुअन अनेक फायदा। ओ कैसे? घर के पैसा घर में, बिलायती मंजन से छुटकारा, दांत में मजबूती, ग्रह नक्षत्र अनुकूल, अंदरूनी बीमारी में फायदा। दतुअन के बहाने पेड़ के रोपाई, छटाई, बोआई, दतुअन के तुड़ाई, दांत के सफाई, आ कोनो बीमारी बाद में पास ना आई। अगर बुरुस मंजन छोड़ देब पेड़वा तो बच जाई, बाकी तू ना बचब, बुझला। हे महाराज, अरे महाराज बस करिए, अब हमार शक्ति खत्म हो गई, अब हमार कलवा फाट के खून गिरे लगी। महाराज दतुअन छोड़ी राउ गछिया उखाड़ के ले जाई, हमके माफ करी महाराज। ए नु ए हो हम देख ले तनी, देख ले तनी। ए रहे दे नारा और उखड़ जाई, बुढ़ापा के दे ही है ई मजबूत बा, ज्यादा आज देखे उखड़ नु, अगला बेर आब नु तो इनका को उखाड़ के ले जाए। एकरे बाते में तो दम बा। और आज से नीम के दतुअन शुरू। बाबू। हाँ फूफा जी। नाश्ता पानी तो होइए गई बैठे। हाँ यही शहर में हमरा गांव के एगो जोखन भाई रहेले। अच्छा तो तनी अपना गड़िया से मिलवा देता। ठीक बा फूफा जी, रवा दो मिनट रुकी, हम अभी आवत तनी। अच्छा हाँ हाँ बहुत बढ़िया। लौकत काहे नहीं घरे, बैक चश्मा बढ़ ले बात तो लौकत काहे नहीं। हम्म
ममता सुना का? हम फूफा जी के साथ है, उनका एगो गांव वाला है, उनकरे से मिले जाते नहीं, तो जल्दी आ जाए। तू एक काम करिया, खाना बना के रखिया, ठीक बा? ठीक बा। और अच्छा, कल तो पूरी बनल रहे, आज एक काम करिया, रोटी और कुछ बढ़िया सब्जी बना लिया, और रोटी पे बढ़िया से घी लगा दिया, ठीक बा? ठीक बा। जल्दी बैठिए फूफा जी। अभी साफ हो जाई, हाँ? और बस 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 बस। कौनो बात ना, कौनो बात ना। हो गई, बस हो गई। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ नो। दे हम ओकरा के अपना गांव के आदमी बुझ के गोई रनी है भेंट करे, आ ऊ हराम खोर छोटा सला नलायक एक लोटा पानीयो के ना पूछला सा। बताओ बरदे, हमारे जा औतरी आई था तटे। अरे रवा के भूख लगल बा का? मैं बड़ भूख लगल बा, माथा चक्कर देता, भोजन ना निकलवाई बानू, तब फूफा अब हॉस्पिटल जाई है। अरे फूफा, हाथ पैर धोई, हम 5 मिनट में खाना निकलवा तनी। हाँ निकलवा दे बाबू। अरे आई, अच्छा अच्छा, हाथ पैर धोई रहुआ, हम 5 मिनट में खाना निकलवा। बस बस चला ना। ई कहा, अभी ले खाना ना बनल बा? बस फटाफट बन जाई। फटाफट बन जाई? ऐसे कैसे फटाफट बन जाई, अभी तो आटा सना रहल बा। अरे वो बबुनी पोटी कर ले रहे, ओकरा में टाइम लग गई। अरे तो पोटी साफ करे में का 2 घंटा लगेला? अरे बना बतानी ना। का फालतू बात कर रहे हैं, बनावा तनी बनावा तनी। अरे केकरा घर के बच्चा पोटी ना करेला? हाँ तोहरा टाइम के ज्ञान नहीं खे। अब बताओ घर में मेहमान आई भरन, वो का सोचिए? आधा घंटा लेट हो जाई तो उसी प्राण ना निकल जाई। अरे का है हमरा साथ बकवास कर रहा बारू तू, तोहरा अपने गलती का एहसास नहीं का? ये आधा घंटा के काम रहा है, वो तोहरा से ना भइल, लागल हुई मस्त टीवी में सीरियल, मस्त महारानी लेट के देखत हुई है। सोचा थी है कि आई है 4 घंटा में वो लोग, तब आराम से खाना बनावल जाए का? काहे बाल के खाल निकाला तानी, बना रहल बानी ना। हाँ तो बनावा अपना खातिर, हम निजा तानी बाहर होटल में खा ले। पूरा मूड खराब कर देलस। चली पापा, हम नी बाहर खा ले, ममता के पास खाना बनावे के टाइम ना रहे, घर में 4 गो काम रहेला, वो इनसे ना हो पावेला। अरे बेटा आजकल के पतोहन के ये स्टाइल बा, इतना काम करे नी फिर भी कोनो कदर नहीं खे, कोनो मान नहीं खे। Thank you.
बाह ठीक बा पापा जी प्रणाम। खुश रहा। अच्छा अच्छा प्रणाम पापा जी। खुश रहा खुश रहा। हाँ 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 हैला हैला मिठाई खाया हैला मिठाई के बहुत सेवा कैला लोग। अब हम चल रहल बानी ठीक नू। ठीक बा पापा जी फिर आएब ना। अरे एकदम आएब जब एने आएब तो हम आ जाएब। ठीक ठीक। ममता ए ममता जल्दी टिफिन लेके आवा। खाना नहीं खे बनल। खाना ना बनल है? काहे ना बनल है? काल जैसे रात के बाहर खाई ले रही आज भी बाहर खा ले। हम बाहर खा ले तो तू का करबू? का करबू मतलब हम कर भी का करे नी काम ही कहा हमार। हम तो पूरा दिन घर में बैठ के घास छिलेनी। आप ही केवल बाहर पहाड़ तोड़ेनी। हम तो एक नंबर के निकम्मा हैं। जी काम ना करेनी। एक दिन सिर्फ एक दिन घर के पूरा काम करके दिखाई। ठीक है? का मतलब इका फालतू बात कर रहा बड़वा? सच बोलता नहीं। सिर्फ एक दिन घर के पूरा काम करके देख ले। ए सुना तू हमरा के चैलेंज कर रहा बाड़ू। चैलेंज कौन बात के? हम कहाँ काम करें नी वैसे भी घर के काम बहुत आसान हो। सिर्फ एक दिन घर के काम करके देख ली ना। हम अगर घर के काम करब तो बाहर के काम का तू करबू? बिल्कुल। ठीक बा आज से एक महीना खातिर घर के काम हम करब और बाहर के काम करबू तू। बोलो मंजूर बा? बिल्कुल मंजूर बा। ए सुना। हाँ ये सब का हो रहल बा भुला गेलू का? हाँ आज से सब काम हम करब। अरे छोड़ी बनाए दी उ तो हम ऐसे ही मजाक में बोले रहे। तू मजाक में बोले रहलू लेकिन हम सीरियस बानी। अरे आप जाई हम चाय बना के लेके आवतानी। का है हो गई पता चल गई अपन असलियत अंदाजा लग गया अपन औकात के? जब औकात ना हो ना तो बड़ बड़ बात करे के ना चाहिए। तू कब्बो हमार बराबरी ना कर पेबू। औरत बाड़ू औरत के एगो लिमिट होला। ऐसन बात नहीं खे ये आपके भ्रम है। हम भी पढ़ल लिखल बानी। आजकल सब औरत पढ़ल लिखल बाड़ी सन लेकिन उनकर हद घर के चौखट तक ही होला। आप गलत सोचतानी। आज के डेट में एगो औरत के कद एगो मर्द से कहीं ज्यादा बढ़ गयल बा। पुराना मेंटेलिटी से बाहर आई पति देव अगर हम अपना पे आ जाए ना तो आपसे ज्यादा परिवार के अच्छा से संभाल सकतानी और आपसे ज्यादा कमा भी सकतानी। कुछ ज्यादा ना बोले लगलू। हाँ आप मर्दन के एक औरत के मर्दन से सुपर होकर बर्दाश्त ना होला। अच्छा जी आप मर्द लोग के लगेला कि औरत कुछ नहीं क्या कर सकत। ठीक बा हम बहुत लोग के देखले बानी। तू एगो काम कर हम 45,000 महीना कमावत रहनी तू हमरा से सिर्फ 1,000 ज्यादा 1,000 ज्यादा कमा के दिखा दे। 1,000 ना 5,000 5,000 आपसे ज्यादा कमा के दिखाई। चैलेंज चैलेंज आज से घर के सारा काम हम करब और हम बाहर के काम करब। ठीक है फिर आप इली दूध गरम करी। ठीक है एक्सक्यूज मी और कितना टाइम लगेगा? हेलो आप पहली बार इंटरव्यू देने आई हैं क्या? आपसे पहले लोग आए हुए हैं पहले इनका नंबर आएगा
फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा। जी अरे चुप हो जा, चुप हो जा बाबू। अरे हल अपिया पिया पिया लो 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 अपिया पिया पिया आ ले 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 हाँ बाबू चुप हो जा। अरे ओ हेलो। हाँ हेलो सुनी ना। हेलो मैडम, आपके पास ज्ञान नहीं है क्या? ये ऑफिस है और वो देखिए क्या लिखा है। आप उठिए बाहर जाइए। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अब बॉबी दूध पी ले लसका। बॉबी हमरो बेटी बिया, हम इतना गैर जिम्मेदार बाप ना है। हमरा अपन काम अच्छी तरह से पता बा। तू अपन काम करा, अपन काम के चिंता करा। रखा फोन। अरे अरे बाबू बोलो। अरे अरे दूध पी ले, दूध पी ले। हमारे यहाँ फ्रेशर का रिक्वायरमेंट नहीं है। सर मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। पर हमें एक्सपीरियंस बंदे ही चाहिए। सर मैं 1 वीक में सब सीख जाऊंगी। तुम 1 वीक की बात करती हो, हमारे पास 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। तुम महिला हो, यहाँ बैठकर बात कर रही हो, हालांकि तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो और पैसा देकर यहाँ सिखाने नहीं बैठे हम। गो सर, प्लीज गो। तुम शादीशुदा हो? जी सर। एक बच्चा भी है? हाँ। पति घर में रहता है और पत्नी काम पे? वाह बेटी, तुम्हारा पति निठल्ला है क्या? हाँ? निकम्मा है क्या? हाँ? निर्लज्ज है क्या? सर अगर आपको मुझे काम देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन आपको मेरी पर्सनल लाइफ में झांकने की जरूरत नहीं है। ये लो, आपको मैं अपने ऑफिस में रखूं, तुम पे भरोसा करके तुम्हें काम दूं, तनख्वाह भी दूं, और आपके बारे में इतना भी ना जानूं। लेकिन सर इस काम के साथ मेरी पर्सनल लाइफ का मतलब क्या है? है, बहुत बड़ा मतलब है। अगर मैंने तुम्हें काम दिया और कहीं तुम्हारे निकम्मे पति ने आकर मेरे ऑफिस में हंगामा शुरू कर दिया तो, ह्यूमन राइट्स वालों को लेकर आ गया तो, हमारे ऑफिस के सामने आके अनशन शुरू कर दिया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सर ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे लायक अगर कुछ काम है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये लो, आपको रोका कौन है? ना तो ये आपका ऑफिस है और ना ही आप यहाँ एम्प्लॉय हैं। जितना जल्दी हो सके चली जाइए। मिल गई नौकरी? कितना सैलरी पे अपॉइंटमेंट लेटर फाइनल भइल बा? चेहरा देख के तो मामला गड़बड़े लगता हो। बोला कितना सैलरी पे फाइनल भइल? इतना आसान नहीं खे, बोले में कुछ ना लगेला, बाकी करे में लोहा के चना चबावे के पड़ेला। सब सुकुमारी निकल जाएगी, अभी तो शुरुआत है, आगे देखा का होता।
कुछ ना होगी, आपके सपना सपना ही रह जाए। हम अपन वादा जरूर पूरा करब। हसी मत, जब आप बाहर से आवत रहनी ना तो हम आपके कमेंट ना मारत रही, आपके खातिर पानी के साथ चाय भी लेके आवत रही। तब बिना देर कैले जाई, चाय बनाई और लेके आई, जल्दी जाई। ससुरी नौकर बना के रख देलस, कोनो बात नहीं के बच्ची। एक महीना में अभी 29 दिन बाकी बा, औकात याद आ जाए। ऐसा चाय बनोले बनी कि तू जिंदगी में ना पीले हकबू। हाँ पिया। जहर लाके देले बानी का मतलब का भेल? इतना शक्कर चाय में के डालेला? अगर ना बनावे आवेला तो हमसे पूछ ली ना, जहर मत दी। अरे यार ते में इतना चिल्लावे का क्या जरूरत रहे? ये बात तू प्यार से भी तो बोल सकत रहलू। अच्छा आप जैसे बात में शहद मिला मिला के बोलत रहनी, बॉबी के दूध पिला देनी। हाँ पिला के सुला दिले बनी। सही में चीनी ज्यादा हो गई बा। ममता आप इलिजिबल तो हो पर प्योर फ्रेशर होने के कारण आपकी सैलरी 20,000 रुपए ही होगी। 12 घंटे की जॉब रहेगी और एब्सेंट मार्क जरूर होगा, बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। 20,000 तो एहिजा से मिल जाए, बाकी 30,000 के अरेंजमेंट करे के पड़ी। सर मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? कल आ जाओ। थैंक यू सर। Congratulations. Thank you. हेलो। घर में खाना पीना बनाता तो सामानों रात हुई पता बाकी ना? सीधा सीधा बोली ना, आपके का बोले के हो? अरे ऐसा नुखड़ा नुखड़ा काहे बात करल बड़ुआ? आपके घुमा फिरा के बोले की जरूरत का हो? घर में सब्जी खत्म हो गई बा, आई तबे बनी ना तो ठंडन गोपाल आ जाई। और आलू प्याज भी आज भर खातिर बा, बस आलू प्याज सब आ जाई। और धनियो पत्ता आ जाए तो थोड़ा बढ़िया रहे। एक काम करी, घर में काका सामान नहीं खे एक बार में बता दी। घर की जिम्मेदारी ले ले बानी ना, तो घर ठीक से संभाली, पहले देखी ठीक से फिर हमके बताई। कहा बानी लेके जाई सब्जी? अरे सुनी ना। अरे आ गनी काहे चिल्ला रहल बड़ू? वाह झोला तो बहुत भारी होई। उठा के देख ली ही ना। ये हमरा खातिर कौन बड़का काम बा? आप अपना के कम समझतानी का, जाई फटाफट खाना बनाई। अतनी लेट हो गेल ता? हम आज ले कभी लेट खाना बनाई नहीं। जाई जल्दी फटाफट खाना बनाई। हाँ चाहता नहीं अभी भी यही चीज बात करता नहीं, अपन ड्यूटी पे ध्यान दे ही जाई।
कल हमार 8 बजे से ड्यूटी है, तो 7 बजे टिफिन रेडी चाहिए। ऑफिस पहुँचे में टाइम लगेगा और टाइम पे ऑफिस पहुँचे में हमके 6 बजे उठे के पड़ी। तो 6 बजे हमके बेटी चाहिए। अरे यार, इतना सवेरे सवेरे ड्यूटी लेवे के का जरूरत है यार? ऑफिस हमार ससुर जी की ना है, जो हमारे हिसाब से चली। लेकिन तू ही सोचा, इतना सवेरे सब कैसे पॉसिबल हो या? जैसे हम आपके खातिर पॉसिबल करत रहन, वैसे आप हमारे खातिर पॉसिबल करी। इतना सवेरे सवेरे ड्यूटी टाइम लेवे के का जरूरत रहे? हमके बेचैन करके खुद चैन से सोधल बड़ी देखा। अगर हम सुत गईनी और समय पे ना उठनी तो जिंदगी भर ताना मारी कि तोहरा चक्कर में हम चैलेंज हार गईनी। ऐसे बढ़िया बाकी हम सुतबे न करब। एकरो पता चल जाए कि ऐसा ऐसन घर संभालल हमार पाया हाथ के खेल बा। सुबह 6 बजे बेटी देर और 7 बजे टिफिन। ग्रुप पता चल जाए कि कैसन मत से पला पड़ा। थैंक यू मुर्गा महाराज, हमारी इज्जत बचावे खातिर। ना सोचा था ऐसा होगा वैसा होगा, सोचा था ऐसा होगा वैसा होगा। मेरा तीर मुझे में धस गया, अपने जाल में खुद ही फंस गया। आप भी अनुभव अपना बता दीजिए, निहर पटी हटका मजा लीजिए, निहर पटी हटका मजा लीजिए लीजिए। अरे लो झाड़ू मारू हाथ दुखाए, पोछा मारू कमर पिराए, अपने हालात का खुद ही जिम्मेदार हूँ, मोहरद जात पे बड़का धिक्कार हूँ। ऐसा मिस्टेक आप मत कीजिए, निहर पटी हटका मजा लीजिए, निहर पटी हटका मजा लीजिए। बड़ा प्रॉब्लम है भाई, चूल्हा चौकी आसान नहीं है, अपना ये सब काम नहीं है, फिर भी थे करके जैसे लगा हूँ, अपने वादे पे फिर भी अड़ा हूँ।
जो हुआ सो हुआ, क्या कीजिए मेरे पति हटका मजा लीजिए, मेरे पति हटका मजा लीजिए। हेलो। हाँ सर, अभी मैं मेल करता हूँ। हो गया टाइप? सर हो रहा है। अभी तक नहीं हुआ? सर बस कर रही हूँ। अरे आप फ्रेशर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन का काम तीन दिन में करोगी। ये ऑफिस है, आपका घर नहीं। जल्दी करो, सारा चाहिए मुझे। जी सर, हो जाएगा सर। ससुरा रोज ही टाइम ले, नाश्ता के साथे साथे लंच हो जाते रहे, लेकिन आज अभी ले ब्रश होता, कौनो बात ना, दिन भर बिना खाए रह जाए, बाकी झुक अपना। हेलो काजी, लंच हो गई? हमार तो हो गई। आप अभी ब्रश करता नहीं? अभी नींद से उठनी है का? घर में एक काम थोड़े ना होला, चूल्हा चौकी बर्तन बासन कपड़ा लत्ता दुनिया भर के काम होला, सुबह से नॉन स्टॉप लागल बानी तब जाके अभी फड़ी आई। ना ना, वो तो 10 मिनट के काम है। छोड़ी, बॉबी से बात कराई? हाँ कर बाबा टनी। मिला, देख लो बाबू के। अरे अरे अरे, ओ कहाँ हो गई? चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटी। नन्ने 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 नन्ने, ना रोए के। मम्मी आ जाई। अरे यार, ये तो गील हो गई, लगता पानी ज्यादा पड़ गई, तनी आटा डाल देता नहीं। ऐसा होगा वैसा होगा, ना सोचा था ऐसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। टाइट हो गई, पानी डाल के एकरा के नॉर्मल कर देता नहीं। बता दीजिए, फिर गील हो गई। मजा लीजिए मेरे पति हटका मजा लीजिए लीजिए। पूरा गांव के न्योता दे ले रहनी का कहे? इतना आटा हम दोनों खातिर 3 दिन चलेला। हाँ तो बढ़िया बाना, बचल आटा फ्रिज में रख दे, 3 दिन आटा साने के झमेले खत्म। कितना बार फ्रिज के आटा के रोटी खाईले बानी, ना हम खिलाईले बानी और ना ही हम खाई। अरे यार ऐसन मत बोला यार, यार बाद में खर्चा पे कंट्रोल करी, पैसा फोकट में ना आवेला, समझनी? अरे यार, ये तो हमरा की नौकरी बना दिले भैया। और कैसन चला था ऑफिस के काम? जैसे आपके घर के काम चलेला। हमके तो मजा आ रहल बा। तो रुआई की क्या बता? हाँ तो करा अपन काम। ताबे करी ना। हम तो करिये रहल बानी। तो हम भी तो कर रहल बानी ना। हट, तो रास्ता बतिया वाली बेकार बा। ते रुआ से क्या बात करता? हट। $20,000 तो सैलरी से आ जाई,
बाकी 30,000 के व्यवस्था करी है कि पड़ी। ठीक बा, ओहो कर लेब। हमार साड़ी प्रेस भएगी ना? वे करता नहीं। और टिफिन तैयार भएगी ना? टिफिन तैयार करके बैग के बगल में रख देले बनी। ससुरा, इतना काम होला घर पे पता ना रहे। मर्द हो के साड़ी प्रेस कर रहल बानी। रुको अभी पता पता नहीं। आज बहुत लेट हो गई। अरे नौकरी कल इतना आसान नहीं थे। अभी तो शुरुआत भइल बा। अब बच्चा की संभाली, वो सब हमार प्रॉब्लम है। अरे चुप हो जा, चुप हो जा बाबू। अरे चुप हो जा, अरे चुप हो जा। अरे अभी प्रॉब्लम का हम का करें? समझ में नहीं क्या बता। पोटी लगल बा की सुसु की भूख। अरे का चाहिए बाबू? आई हो? वो सर गाड़ी नहीं मिल रही थी। और बाकी लोगों को गाड़ी मिल गई? ये जॉब है, मजाक नहीं। अभी ये बिगनिंग है तो ये हाल है, आगे क्या होगा? सर आगे से लेट नहीं होगा। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसीलिए माफ कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम सीधा अब्सेंट। ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ना सोचा था ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मेरा तीर मुझे में धस गया, अपने जाल में खुद ही फंस गया। आप भी अनुभव अपना बता दीजिए। हाँ भाभी। भाई साहब थोड़ी सा चीनी मिली का? हमारे घर में ना गुड़ बा, लेकिन हमारे बाबू ना चीनी खातिर बहुत रोवता। बा ना हमारा घर चीनी बा, हम अभी अभी लेके आते हैं। भाई साहब ये बैग होके कहाँ चला था? नहीं कोनो परेशानी बा का? अरे ना ना कोनो परेशानी नहीं है। अरे रोवा के नहीं की पता, एगो आसन होला, पिछासन 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 होला, उहे कर रहा बनी। हम टीवी में तो रोज रामदेव बाबा के देखिला, बाकी पिछासन के बारे में पहली बार। खौना मुसीबत ले लेनी रे भाई, अभी तो पूरा घर पोछा लगावल बाकी बा।
अपना क्या सोच रही हो? अरे सर को बुरा लगा इसीलिए वो बोले। यार टेंशन मत ले, ये जॉब है, इतना तो होता ही रहता है, सर तो बोलेंगे ही ना, इसमें टेंशन लेने की क्या बात? टेंशन इस बात की नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है? अरे घर का एक्सपेंस 50,000 है और मुझे यहाँ से 20,000 ही मिलता है और 30,000 मुझे अरेंज करना पड़ेगा। यार 12 घंटे का काम तो तू यहीं करती है, फिर तुझे टाइम कहाँ से मिलेगा? ऐसा कोई जॉब नहीं है कि मैं घर में बैठ के कर सकती हूँ। सुनना, मेरी एक सहेली है जिसके ऑफिस में डाटा एंट्री का काम होता है और वो भी वर्क फ्रॉम होम। तू जितना काम करेगी तुझे उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगा। हाँ, तू एक बार बात करना प्लीज मेरे लिए। अभी? हाँ अभी, तो मैं आज से ही स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा आज मैं बात करती हूँ। हाँ। तू चिंता मत कर, शायद पर आवर 130 रुपीज मिल जाए। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। थैंक यू यार। ओके। अभी भी सब्जी काटतानी, खाना कब बनी? बन जाई। आप का चाहतानी कि हम टाइम से ना खाई ना सोई और कल ऑफिस जाए तो बॉस हमके काम से ही निकाल दिए। अरे काहे आके सर पे सवार हो रहा बाड़ू, कह देनी कि बन जाई तो बन जाई। इतना लेट काहे भाई? सूतल ना रहनी कि तब से आके टेंशन आइल बाड़ू। कोनो शौक ना रहे इतना लेट खाना बनावे के। तो कहां कुदार चलावत रहनी? दरअसल हम खाना बनावे के तैयारी कहनी तो ना सोचा था ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। सोचा था ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मेरा तीर मुझे में धस गया, अपने जाल में खुद ही फंस गया। आप भी अनुभव अपना बता दीजिए, मेरी पटी हटका मजा लीजिए, मेरी पटी हटका मजा लीजिए, लीजिए। ये सब का झमेला पानी नहीं हूँ। ऐसा बदबू आ रहा, काम हो 2 घंटा कैसे लग गई? पागल समझ ले बाड़ू का, इतना काम 10 मिनट में कैसे हो जाई? कुछ रखे समझ में आ बता। हमके तो पहले ही समझ में आ गए, लेकिन आपके तो आज समझ में आई ना। का मतलब? मतलब जब फूफा जी घर आयल रहलन और हमके खाना बनावे में लेट हो गेल रहे, तब आप फूफा जी के लेके होटल चल गए रहनी, तब भी बॉबी पोटी कैले रहनी, आज भी बॉबी पोटी कैली। ज्यादा सोची मत, फटाफट खाना बनाई ठीक है? थैंक यू, खाना के स्वाद बहुत अच्छा रहे। ऐसा कौन काम बाजे मर्द न कर सकेला। इला इका देख ला, खुदे समझ में आ जाई। मुंह से बोले में दम लागेला का? दूध के बिल है, कल 5,000 देवे के बा। कैसे हुई? जैसे भी हुई तू समझा ना। ना हमार बोले के मतलब ये है कि अभी तक हमकी सैलरी ना मिलल, पैसा कहाँ से ले आई? ये सोचल हमार ना तोहार काम बा। बाकी एगो एडवाइस दे सकता नहीं का? ऑफिस से एडवांस ले ला। हाँ ये सही रही, कल बॉस से बात करता नहीं। देखो ममता, मेरे ऑफिस में एडवांस का कोई सिस्टम नहीं है। अब सर मुझे बहुत जरूरत है। अरे जरूरत तो सबको रहती है, पर मुझे अपने ऑफिस का रूल रेगुलेशन तो फॉलो करना पड़ेगा ना। सर मुझे ओनली 4,000 ही चाहिए। अरे भाई चाहे 4,000 हो या 400। अच्छा सोचो, अगर ये जॉब नहीं होती तो तुम अपना काम कैसे चलाती?
ऐसा है, तुम अपने कलीग से उधार ले लो, सैलरी आने पे लौटा देना। मुझे ना ये अंगूठी बेचनी है, कितने रुपए मिल सकते हैं? वजन करे के पड़ी एकरा के। ठीक तो बा, लेकिन बढ़िया से चेक करे के पड़ी। ए तनी वो देता। ₹5300 कीमत बा। जी ठीक है, चलेगा। हाँ। थैंक यू। नमस्ते। जरा पानी लेके आई। ये ला। आज चाय ना, कॉफी पिए के मूड है। ठीक बा। ये ली दूध के पैसा। अच्छा, दूध के पैसा अंगूठी बेच के? अरे ना ना, वो तो हम ऑफिस से एडवांस लेनी है। तो अंगूठी कहाँ गई? वो अंगूठी ढीला हो गल रहे ना, तो हम निकाल के अलमारी में रख देनी है। चली ना कॉफी बनाई, हम बहुत थकल बानी, फ्रेश हो क्या बतानी। इला कॉफी पीला। हाँ थैंक यू। अरे और कितना काम करबू, रात के 2 बज रहल बा। चला अभी सो जा, बाकी काम कल करिया। बस थोड़ा सा बचल बा, खत्म करके आ जाए। आप जाई सो जाई। हेलो। हाँ सर, इसी वीक में रिजाइन कर दूंगी। सुनो, तुम्हारी तो अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी पोस्ट भी है, जॉब क्यों छोड़ रही हो? फैमिली को समय नहीं दे पा रही हूँ, जीवन का एक एक दिन निकलता चला जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी? प्यार से रहेंगे तो थोड़े से पैसे में खुशी से जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसा तुम्हें अभी लग रहा है, बाद में पछताओगी जब ईगो क्लैश होगा ना। क्यों, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे, किसे ईगो क्लैश होगा? और पति पत्नी के बीच थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, तुमने तो देखा ही होगा। ये हमारे ही बीच नहीं है, माँ पापा दादी दादा इन सब के बीच ऐसे ही लड़ाई झगड़ा और प्यार होता है। और ये मेरे पति का काम है तो वो करें,
मेरा तो काम है बस उनके लिए प्यार से खाना बनाना और बिस्तर लगाना। तो फिर ज्वाइन क्यों किया था तुमने? क्योंकि हम दोनों के पास एक ही ऑप्शन था कि हम दोनों में से कोई एक काम करे। तो मेरी सैलरी ज्यादा थी इसलिए हमने ये फैसला लिया कि मैं काम करूंगी और मैंने काम शुरू भी किया। लेकिन जब मैं सुबह उठती और देखती तो बेचारे खाना बनाना, कपड़ा धोना, बच्चों की केयर करना और मैं उनका सपोर्ट भी नहीं कर पाती थी और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए मैंने फैसला लिया कि हम थोड़े कम में ही एडजस्ट करके खुशी से रह लेंगे और अब वो काम करेंगे और मैं घर देखूंगी। और वैसे भी पति परमेश्वर होता है, पति का स्थान तो भगवान के बराबर होता है। हेलो सर। अच्छा मैंने आपकी सैलरी मैनेजर के पास रखवाई थी, आपको मिली कि नहीं? हाँ सर मिल गया, थैंक यू सो मच। ₹600 के हिसाब से 30 दिन के 18,000 रुपया, फिर भी 12,000 कम पड़ी। लागत आके हमके चारों संडे भी फुल डे काम करे के पड़ी। चुप हो जा, चुप हो जा, ओ चुप हो जा, ओ लुल 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 लुल, ओ ओ ओ ओ, एक मिनट, ओ ओ ओ, ओ लुल 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 लुल, कैसी हो ममता? सर अच्छी हूँ। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आज करवा चौथ के उपलक्ष्य में अपना ऑफिस हाफ डे रहेगा। अरे आप लोग क्यों मुंह लटकाए हो? अरे आप लोगों के बगैर तो ये व्रत तो अधूरा ही है ना। अरे भाई आप लोगों का भी घर जाना जरूरी है और साथ ही साथ हमारा भी जरूरी है। हाँ इसलिए इस व्रत को खूब एंजॉय करो, त्योहार मनाइए, खुशियाँ मनाइए। ईश्वर आप लोगों की जोड़ी को सही सलामत रखे। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। खुश रहो बच्चा। खुश रहो बहू। बहू तारावे में इतना देर कैसे हो गई? अरे बबुआ बतैला हो कि तू अपना सहेली के नगर रलू हा।
वो दरअसल माई सौ परिवार करवा चौथ मनावे खातिर ऐजा आ गेल बिया। तोहरा चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं है, हम सब व्यवस्था कर देले बानी। हे दुल्हन देखलु, अरे हमर बेटा ना हमरा पे गोइल बा। ए बेटी कोनो तीज त्योहार आवेला नु, हम तुरा सास के कुछ ना करे दे, सारा व्यवस्था हम अकेले करेनी। अच्छा जा फटाफट तैयार हो जा। देखा बेटा, तू दोनों जाना के साथ में खुश देख के हमरा मन के बड़ा खुशी मिलल। ऐसे ही मिलजुल के रहा लोग। देखा बेटा, धन दौलत पैसा रुपया आई और जाई, लेकिन आपसी प्यार तो हम लोग के एक पल के खुशी ना जीवन भर याद रही। ऐसे ही मिलजुल के एक दूसरे के काम में हाथ बटावे के चाहिए, तब ना बड़ा से बड़ा काम छोटा लगे लगेला। देखा बेटा, पति खातिर ना ओकर पत्नी ओकर परछाई होखेले, लेकिन पत्नी खातिर ओकर पति मान और सम्मान होखेला। तू लोग ऐसे ही ना साथ में हंसत खेलत रहा लोग।
ठीक ना? चिंता मत करिया, हमने के फिर आ जा। हां भाई कहे ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। खुश परिणाम आज। खुश रहो। गुड लगतनी बाबू जी। परिणाम बाबू जी। गुड लगतनी रहो बहुत यार। चल बैठ। बैठ। चलो 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 बैठ लो। चल। और मैडम आज 30 दिन पूरा हो गई। उस दिन तो बड़का बड़का बात बोलत रहलू कि हमरा से 5,000 बेसी कमा के देखेबू। का भइल? बड़का बड़का बात बोलल जितना आसान बाना करल उतना ही मुश्किल, और वो एगो औरत खातिर। अब समझ में आ गई ना? पतिदेव जी, ये आपकी दोस्त ना, आपके जैसन सारा मर्द खाली ई गलत फहमी के शिकार होले कि वो लोग के लागे लगी औरत मर्द से कमजोर होले। हम आपसे कहले रही ना कि हम आपसे 5,000 ज्यादा कमा के दिखाई। एक मिनट रुकी। इन 10,000 टोटल 55,000। आपकी भ्रम टूट गई ना, पता चल गई ना एक औरत का कर सकेली। जी बिल्कुल, तू भी अपना भ्रम तोड़ ला और देख ला घर के कोना कोना, कहीं से तोरा के कोनो कमी ना महसूस होई। ये जे 55,000 तू कमेलू, ये कमा के तोरा कितना खुशी मिलल? खुशी कितना मिलल उन्हें की बता सकत, लेकिन खुशी की कितना कुर्बानी देनी वो जरूर बता सकता नहीं। माँ होके के नाते माँ की ममता खो देनी, एक पत्नी होके के नाते पति के प्यार खो देनी, एक औरत होके के नाते औरत के आधार खो देनी, रोज ऑफिस पहुंचे के टाइम पे रास्ते पे स्ट्रगल, और उकर बाद बॉस के डांट सुनल, लेकिन हर पल एहसास होत रहे कि हमार पति भी ऐसन मुश्किल के सामना करत होइए। आप भी तो घर संभालनी, आपके कैसन लागल? इतना अकेलापन हम कभू महसूस न केनी। एक पति होके पत्नी के एहसास के मिस केनी, पूरा परिवार के मिस कहने। एक बार हम सब्जी काटत रहनी, हमार हाथ कट गए, तो हम सोचने कि हमार ममता के कितना बार हाथ कटल हुई। एक बार हम रोटी पकावत रहनी, तो
हमार हाथ जल गई। तो हम सोचनी कि हमार ममता के कितना बार हाथ जलल हुई। घर में सब कुछ होला के बावजूद भी तोरा बिना हम अधूरा रहनी। हम भी तो आपके बिना पूरा नहीं की। पति पत्नी के रिश्ता तू और मैं से ना हो खेला, सिर्फ हम से हो खेला। अब समझ में आई कि हमरा जिंदगी में खुशी के मतलब सिर्फ तू भरू। पापा के लाडली तो सब बेटी हो खिली। लेकिन उ नसीब वाली हो खिली जब पति के लाडली हो खिली। जीवन साथी के एक छोट परिभाषा होला, तो शब्द तो हम अर्थ, बाकी तोरा बिना सब व्यर्थ। हमार किस्मत की लकीर बहुत ही खास है, तबे तो आपके जैसन पति हमरा पास है। एक महीना से ढंग के खाना तक का, ढंग के चाय तक नसीब न भई। का तू हमरा खातिर एक कप चाय बना सकेलू? बहुत दिन बाद ऐसा स्वादिष्ट चाय पिए के मिलल बा। वाह, केकर फोन है? फूफा जी के। अब स्पीकर, स्पीकर पे रखे, स्पीकर पे। प्रणाम फूफा जी। हाँ हाँ, खुश रहा खुश रहा। सब समाचार ठीक बा ना? हाँ हाँ, ठीक बाटे। ओनिये के गड़बड़ा गुल बाटे। केने के? अरे वह पेंशनवा वाला कागजावा जा ना, उ तो सिग्नेचरे गड़बड़ा गुल, यही से उ काम ना भइल। अब फिर हमरा साइन करे के पड़ी। तब? हाँ तो तब का आ रहल बनी। आज शनिचर है, कल इतवार है, दो दिन तक कोनो काम ना हुई।
तोहरे की यहाँ रह के विश्राम होई आ सोमवार के नर नाश्ता करके निकल आ काम धाम करा के जोन बाटे फिर वापस जोन बाटे उन्हीं से उन्हीं घरे चल जाए। अभी केने बनी तो अब ही जोन बानी रास्ते में बानी आ रहल बानी अभी ठीक बा आ जाई हाँ आते बानी एकदम चिंता मत कर आ रहल बानी आ रहल बानी। उप्पा जी फिर से हरदम से नोरा।